राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट मिलने के बाद पाजी हाईकमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हम पर विश्वास किया है, उस पर हम खरे उतरेंगे और हरियाणा में लोकसभा की सभी सीटों पर विजय का पताका फहराएंगे। राव इंद्रजीत ने कहा कि टिकट को लेकर कुछ मौजूदा सांसदों में बेचैनी थी। हमारे हरियाणा के अंदर 5 MLAs 3 5 MPs 3 नॉमिनेट किए गए हैं। 2 MPs या तो पार्टी छोड़ के चले गए थे या उनकी सेहत अलाउ नहीं किए थी। हम 7 MPs भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जीते थे। तो मैं अकेला ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पार्टी ने हम पांचों के ऊपर विश्वास किया है और जो नए चेहरे उतारे हैं बाकी सीटों के ऊपर, जो 3 का डिक्लेयर हुआ है वो भी मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच बूझ का इस्तेमाल करके उतारे हैं। तो ये 8 सीटें मैं समझता हूँ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर हैं। 2 रोहतक की और हिसार की जो सीटें हैं इसका इंतजार है किसको टिकट देंगे। पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सोच विचार करके और ये 8 सीट बांटी हैं इन दोनों के ऊपर भी उचित उम्मीदवार उतारे जाएंगे और 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले। भारतीय जनता से तो मैं अभी नहीं कहूँगा, अभी तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि दोबारा से हमारे को विश्वास में रखते हुए उन्होंने टिकट बांटी है। और कुछ MPs के अंदर थोड़ी सी बेचैनी भी थी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर कई MPs तकरीबन सभी सफा कर दिए थे, कहीं ऐसा हरियाणा के अंदर ना हो जाए। वो संभावनाएं मैं समझता हूं कि हमारी गलत थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबके सब निष्ठावान हैं, चाहे वो विधायक हों या मंडल अध्यक्ष हों या पन्ना प्रमुख हों, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार काम करते हैं। तो इनसे हमारे को सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, जो इन्होंने 5 साल के अंदर बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, बिना क्षेत्रवाद के जो भी निर्णय लिए हैं, मैं समझते हूँ उनके अनुसार हमारे प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र भाई मोदी का साथ देगी।